दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज हम लोग आए हुए हैं निज़ामुद्दीन और आपको पूरा शॉर्ट्स दिखाते हैं, पूरा विजिट करते हैं हम लोग और आपको पूरा भी विजिट कराते हैं। और आज मैं पहली बार आया हूँ इस ब्लॉग में और हमेशा आता रहूँगा, ये मत बोलिएगा। हमेशा ही आता रहूँगा, आगे वाले भी आना ही रहूँगा। तो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है बटलाव से, हम लेते हैं ऑटो और फिर निकलते हैं। यहाँ से तो मैंने पहले ही लगा दिया म्यूट, लाइक इट मीन्स मैंने अपना पहले ही वॉल्यूम हटा दिया क्योंकि बहुत तगड़ी रश थी यार, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। मैं तो फर्स्ट टाइम था, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी कितना ज़्यादा होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, इधर फूल वगैरह मिल रहा था और चादर इतर ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जो भी नियर बाई इधर का के मतलब यूज़ होने वाली चीज़ें वो सारी मिल रही थी। मैं तो बस देख रही थी और वीडियो रिकॉर्ड्स कर रही थी। बहुत भीड़, बहुत भीड़, लिटरली बहुत भीड़ था। और आप देख ही सकते हो एंड कमेंट्स में बताना कौन कौन गया हुआ है निज़ामुद्दीन। और यहाँ पे डेट्स वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन सब बहुत एक्सपेंसिव था क्योंकि बहुत ज़्यादा रश एरिया है इस वजह से। तो दोस्तों अभी हम कहीं जा रहे हैं। और जा कहाँ रहे वो नहीं पता, अजमल अजमल अरे तुम ही बता दो, अजमल परफ्यूम बोला नहीं। किसके लिए परफ्यूम लेना है? मेरे बुक के लिए। और ये शॉप थी अजमल परफ्यूम वाले की, इनका जो ब्रांड है 1985 से इस्टेब्लिश्ड है और काफ़ी बेहतरीन था, क्वालिटी का था। फिर अब हम लोग जा रहे थे दरगाह की तरफ, ये जाने का रास्ता है। लाइक यहाँ पे भी बहुत, मैं कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस वेल रहा, बट एक चीज़ यहाँ पे दिखा कि स्कैम्स भी होते हैं यार यहाँ पे। स्कैम्स में किस टाइप के होते हैं कभी विज़िट करना आपको पता चल जाएगा, बट मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत बैड नहीं था, बहुत अच्छा रहा। एक तो आप जैसे ही इंटर करोगे ना, वहाँ सब आपको कहेंगे चप्पल यहाँ रख लीजिए, चप्पल यहाँ रख लीजिए, बस 10 रुपये का फूल ले लीजिए, ऐसे बोल रहे थे। बट हम लोग अंदर अंदर जा रहे थे क्योंकि अंदर भी स्लीपर रखते हैं, फ्रंट में भी रखते हैं, जो न्यू है उनको तो पता नहीं होता है, वो स्टार्टिंग में ही निकाल देते हैं। मैं भी अगर अकेले होती तो मैं भी स्टार्टिंग में ही निकाल देती, बट मेरी अप्पी को पता था, वो पहले विज़िट की हुई थी। तो हम लोग बस जा रहे थे और हम लोग थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अंदर जा कर के फिर निकाले थे क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर 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 चलना पड़ता है, जितना अंदर अंदर मैं बोली उतना ही अंदर अंदर चलना पड़ता है। और यहाँ पे कार्ड मिलता है, लोग गरीबों को खाना पता है यहाँ पे कैसे खिलाते हैं, या तो आप परचेस करके खिला दीजिए या तो फिर आप कार्ड ले लीजिए। ये जो कार्ड दे रहे थे ना, कार्ड दे रहे मतलब लाइक कार्ड देते रहते हैं, कहते हैं बांट देने के लिए, तो फिर उस शॉप पे वो जा करके बंदा खा लेता है। प्लेट्स 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ऐसे खाने के मतलब लाइक फॉर्मल मिलते हैं। और ये रहा ये शॉप जहाँ पे हम लोगों ने अपना स्लीपर निकाल दिया था, लाइक जो भी पहना था आदमी, शूज़ डाल रखा था सबने, और फिर हम लोग ऐसे लाइक चल रहे थे। अभी भी इसमें बहुत अंदर अंदर जा, और मैं थोड़ा बच बच के कैमरा यूज़ कर रही थी क्योंकि यहाँ पे लोग मना करते हैं ऑन करने के लिए, बट मैं कर रही थी, मैं झूठ नहीं बोल सकती, मैं कर रही थी क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था कैसा होता है, क्या होता है, कैसा एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर रही थी। इसलिए मैं फ़ोन, मेरा एंगल तो ठीक था लेकिन मैं छुप छुप के कर रही थी सब चीज़ रिकॉर्ड। फाइनली यहाँ से आता है जो कि एक मिनी दरगाह है और उसके आगे एक वाइट कलर का है, दोनों जगह लोग जाते हैं। और फ्लावर्स के जो रोज़ पेटल्स थे वो बहुत अच्छे थे, ये क्या है ब्लैक और ऐसे ऐसे है वो मुझे नहीं पता कि क्या है,
मैं ज़्यादा तफ्तीश भी नहीं की, बट जो देखी मैंने और क्या पीने भी लिया। फिर लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा रश था, बिल्कुल ही मना था अंदर ले जाना, बट धीरे से मैं फिर भी रिकॉर्ड कर ली। इसको ये पता नहीं, वहाँ पे लोग चिराग बोल रहे थे, मैंने सुना इसको लोग चिराग बोल रहे थे, ये जो लंबा लंबा है, और लेडीज़ वहाँ पे बैठ करके दुआ वगैरह कर रही थी एंड ऑल। फिर यहाँ से हम लोग हो रहे थे घर के लिए रवाना। फिर अप्पी ने यहाँ पे कुछ गरीबों को वही काट दिया पैसे दे करके खाना खिलाने के लिए, आप देख सकते हो। यहाँ पे ये जो भी आते हैं जो खा रहे हैं लाइन में लगे हुए हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट खाते हैं, कोई पैसे नहीं देना होता, बस उनको काट देना होता है, ये खुद जाके खा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग निजामुद्दीन के बाहर जा रहे हैं। सो हमारा हो चुका है डन और अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है, पानी पी पे इकट्ठा होता है और वहाँ पे लोग पता नहीं क्या करते हैं। अभी मना कि उधर मत जाओ, शाम हो चुका था काफ़ी ज़्यादा। फिर हम लोग वापस घर की ओर चल दिए। कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा। मैं फिर चली गई थी अपने भाई के पास और वहाँ से आने के बाद मैं वहीं पे चाय रस खा ली, फिर मेरा मन नहीं किया खाना खाने का, तो खाना मैं खाई नहीं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, और पूरा ब्लॉग देख रही हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा।